परिक्रमा ईश्वर की उपासना या आराधना करने का एक तरीका है। वैसे तो सामान्यतः सभी देवी देवताओं की एक जैसी ही परिक्रमा की जाती है, परंतु शास्त्रों के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के लिए परिक्रमा की अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार केवल भगवान ही नहीं बल्कि और भी कई वस्तुओं की परिक्रमा की जाती है। ईश्वर के अलावा अग्नि, पेड़ तथा पौधों की भी परिक्रमा की जाती है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए, साथ ही साथ परिक्रमा वहीं खत्म करें जहाँ से शुरू की गई थी। परिक्रमा बीच में रोकने से वह पुण्य नहीं मानी जाती है। परिक्रमा के दौरान किसी से भी बातचीत ना करें। जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उनका ही ध्यान करें। सभी देवताओं की परिक्रमा के संबंध में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। जैसे सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान विष्णु और उनके अन्य स्वरूपों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, देवी दुर्गा और उनके अन्य स्वरूपों की 1 परिक्रमा करनी चाहिए, हनुमान जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए और शिव जी की आधी परिक्रमा करने का नियम है। शिव जी की जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए, इसलिए शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। जलाधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। महिलाओं द्वारा वटवृक्ष की परिक्रमा करना सौभाग्य का सूचक है। शनिदेव की 7 परिक्रमा करने का विधान है। पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी वृक्ष की परिक्रमा कम से कम 3 बार करें। परिक्रमा की संख्या आप अपनी श्रद्धा से बढ़ा भी सकते हैं। जिन देवताओं की परिक्रमा की संख्या का विधान मालूम ना हो उनकी 3 परिक्रमा की जा सकती है। 3 परिक्रमा के विधान को सभी जगह स्वीकार किया गया है। सोमवती अमावस्या, अक्षय नवमी, वट सावित्री आदि के दिन 108 परिक्रमा को विशेष फलदायी बताया गया है। जहाँ मंदिरों में परिक्रमा का मार्ग ना हो वहाँ भगवान के सामने खड़ा होकर अपने पांवों को इस प्रकार चलाना चाहिए जैसे हम चलकर परिक्रमा कर रहे हैं, अर्थात एक ही जगह पर खड़े होकर गोल घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। मंदिरों में परिक्रमा करते समय देवता की पीठ की ओर पहुंचने पर रुककर देवता को नमस्कार करके ही परिक्रमा को पूरा करना चाहिए। अपने उल्टे हाथ अर्थात बाएं हाथ की तरफ से परिक्रमा कभी नहीं शुरू करनी चाहिए। हमेशा सीधे अर्थात दाहिने हाथ की तरफ से ही परिक्रमा शुरू करनी चाहिए।